सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नाइन्थ क्लास में सामाजिक विज्ञान में लेसन नंबर 2 संविधान का निर्माण, जो अपना पाठ लेसन जो चल रहा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये अगली वीडियो में हमने कम से कम आधा लेसन के बाद तक अध्ययन कर लिया था। इसमें जो पहली बात जो बताई गई थी दोबारा एक बार और सुन लें आप, संविधान से क्या आशय हैं इसके बारे में मैंने बताया था कि संविधान नियमों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जो हमें जीवन जीने के लिए अधिकार कर्तव्य इन सब सारी बातों का दर्शन कराता है, इन सब चीजों को अपन को बताता है। उसके बाद जो अपन ने अगली वीडियो में जो जिसके बारे में अध्ययन किया था, दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान कैसे बना, वहाँ के लोगों को कब आज़ादी मिली दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ के नेता थे नेल्सन मंडेला, वो 28 साल तक जेल में रहे और उनके बाद जैसे अपन महात्मा गांधी को जैसे राष्ट्रपिता का दर्जा देते हैं वैसे ही वहाँ पर नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पर जो रंग भेद नीति से जो वहाँ यूरोपीय लोगों ने जो उनको गुलाम बना रखा था उसके बाद उन्होंने आंदोलन किया और वहाँ दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद किया और उसके बाद वहाँ संविधान निर्माण हुआ। उसके बाद हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, हम भी यूरोप के लोगों के अधिकतर सालों तक जो गुलामी की जंजीरों में रहे। उसके बाद हमने सन 1947 में जब आज़ाद हुए उसके बाद हमें संविधान का निर्माण हुआ और 26 नवंबर 1949 को इसका काम पूरा हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर को इसका पूरा 26 नवंबर 1949 को इसका काम पूरा हो चुका था, बन के तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद आगे देखिए आप, संविधान निर्माण में बहुत सारी कठिनाइयां भी आई और बहुत सी बैठकें भी हुई और इसके पहले संविधान निर्माण के पहले सन 1946 में भारत का विभाजन भी हो चुका था, भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में हम बट चुके थे। उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये पूरा बन के तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। उसके बाद जिन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से, तो पहला है हम भारत के लोग हैं। पहले बात जो हमें सिखाता है संविधान वो ये सिखाता है कि हम भारत के लोग हैं। संविधान निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया है और ये भी कहा गया है कि हम भारत के लोग हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। उसके बाद दूसरा जो बताया गया बुनियादी मूल्य, प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर साम मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। इस पॉइंट में यह कहा गया कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले का फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है और सर्वोच्च अधिकार कोई बाहरी व्यक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकता है। इस पॉइंट में यह कहा गया है कि यहाँ के लोगों को पूरा पूरा अपने बारे में जीने के लिए पूरा अधिकार है और उस इस अधिकार को कोई बाहरी व्यक्ति आकर कोई भी इसमें कोई आदेश नहीं दे सकता है कि भाई बाहरी व्यक्ति विदेशी व्यक्ति कोई भी आकर हमें आदेश नहीं दे सकता है। उसके बाद है समाजवादी, तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होने होती है,
समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। समाजवादी जो पॉइंट है हमें वो क्या सिखाता है, समाज में जो बंटवारा है किसी भी योजना या किसी का भी, उसका समान बंटवारा होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। संविधान ये सिखाता है हमें कि कानून और जो अपन को अधिकार दिए हैं वो सभी के लिए समान है। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े फायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं कम हो। जुड़े कानून से हर जुड़े मामले ऐसा बंटवारा हो कि इस तरह सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, जो समाज में आर्थिक असमानताएं जो फैली हुई है वो सारी कम हो। उसके बाद देखो अगला पॉइंट पंथ निरपेक्षता। ये तो आपने आप सिक्स क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पंथ निरपेक्षता क्या है? यहाँ पर सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। भारत का जो संविधान हमें सिखाता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब सभी धर्मों को हमें समान आदर देना चाहिए और समानता से रहना चाहिए। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। हमारा संविधान हमें क्या सिखाता है पंथ निरपेक्ष वाले पॉइंट में कि यहाँ पर किसी भी धर्म को आपको मानने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता। लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है, कोई भी धर्म आपको मतलब जबरदस्ती मानना नहीं पड़ेगा, इसका कोई अधिकार आपको नहीं है। स्वतंत्रता है पूरी, कोई भी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने तरीके से वो रह सकता है। मान्यताओं और आचरणों को सम्मान समान सम्मान देती है। यहाँ के जो आचरण करने जो धर्म जो अपने अपने धर्म को मानने वाले सभी लोगों का सम्मान किया जाएगा। उसके बाद है लोकतंत्रात्मक। अगला जो मूल्य है अपना लोकतंत्रात्मक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसे लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। सरकार का लोकतंत्र ये हमें सिखाता है, सरकार का ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। उसके बाद लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। उसके बाद अगला देखिए गणराज्य क्या है। गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा खानदान का। संविधान में लिखा गया है साहब, जो पॉइंट दिया गया है उनको, गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया होगा। ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं चलेगा। संविधान में साफ स्पष्ट कहा गया है, गणराज्य जो पॉइंट है अपना, इसमें साफ स्पष्ट कहा गया है कि शासन वही करेगा जो लोगों द्वारा चुना जाएगा। ये ऐसा नहीं चलेगा कि राजा का बेटा फिर राजा बन गया फिर राजा का, या वंशानुवाद चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। कोई परिवार में जैसे पहले चल रहा था ना अपने भारत में भी, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। गणराज्य शासन में यही है या लोकतंत्रात्मक शासन में यही कहा गया है कि शासन का प्रमुख वही होगा जो लोगों द्वारा चुना जाएगा, या वो किसी राजा का वंश या किसी खानदान का नहीं होगा। उसके बाद देखिए अगला न्याय क्या है। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लोगों के साथ किसी जाति के साथ असमानता कोई करता है तो वो भी अपराध का भागीदार, वो अपराध कर रहा है। या किसी धर्म को लेकर किसी को परेशान किया जा रहा है, जबरदस्ती कोई धर्म उनके ऊपर सौंपा जा रहा है तो भी वो अपराध कर रहा है, वो संविधान में एक अपराध साबित होगा आपका, कानून के हिसाब से वो अपराध ही। उसके बाद वो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है, जैसे बेटी और बेटे में फर्क महसूस कर रहा है या फर्क देख रहा है तो वो भी अपराध है। कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।
उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। संविधान हमें ये सिखाता है जो कानून है, जो कानून बनाए, जो नियम बने हैं, वो सभी के लिए समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना ही होगा। पहले से जो चली आ रही है असमानताएं, पीढ़ी दो पीढ़ी जो चली आ रही है असमानताएं, उनको समाप्त होना होगा। सरकार का हर नागरिक समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसी भी धर्म किसी भी जाति कोई भी हो एक्स वाई जेड, उसको समान अधिकार पाने का पूरा पूरा अधिकार है, ये व्यवस्था सरकार करे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका बंधुता, नाम से स्पष्ट हो रहा है बंधुता। उसके बाद देखिए हम सभी को ऐसा आचरण करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य, जैसे वो कहा गया ना अपने किसी शास्त्र में वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारे परिवार जैसा है। तो हमारा संविधान भी हमें बंधुता सिखाता है, भाईचारे का, जैसे अपन परिवार में रहते हैं ना मिलके, परिवार में जैसे मिलके रहते हैं हम सभी, तो वैसे ही पूरे समाज में पूरे देश में सभी जगह हम मिलकर या बंधुता का भाव प्रकट करें, सब मिलजुल कर रहें, स्नेह से रहें, प्रेम से रहें, ये भी हमें सिखाता है। और दूसरे नागरिकों को अपने कमतर न माने, दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है उसको अपने से कम ना माने। बहुत से लोग भेदभाव करते हैं, ये तो कम ज्ञानी है और यूँ है फलाना है, तो ये सब सारी चीज़ें भूले, किसी को कम ना माने। उसके बाद स्वतंत्रता, लास्ट जो पॉइंट है अपना, जो अपन को क्या सिखाता है, स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों को किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। सब लोगों को स्वतंत्रता का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्वतंत्रता है पूर्ण अपने विचार व्यक्त करने की, अपने विचारों से जीने की, सारी चीजें जो भी है स्वतंत्रता में, वो सब हमें स्वतंत्रता वाले पॉइंट में देखने को मिलेगा। पूरी पूरी स्वतंत्रता है आपको हर बात को अपने विचार व्यक्त करने की, हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे वो सारी चीजें अभिव्यक्त करने की आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता। ये बुनियादी मूल्य थे 10 जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। हम भारत के लोग हैं, प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सभी लोगों को सभी धर्मों को समान आदर दिया गया है। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, कोई वंशवागुण का नहीं चलेगा, शासन वही करेगा जो जनता द्वारा चुना गया है। उसके बाद न्याय, न्याय सभी के साथ होगा। कानून में सब बराबर है, समता, बंधुत्व, बंधुता, भाईचारे से रहना, स्नेह से रहना, प्रेम से रहना। स्वतंत्रता का मतलब आप समझ गए होंगे, स्वतंत्रता मतलब पूरी स्वतंत्रता, आपको सोच विचार की पूरी स्वतंत्रता है। अगला जो पॉइंट चलेगा अपना, अब अगला जो है वो है, आगे देखिए अब अगला जो पॉइंट है अपना, संस्थाओं का स्वरूप कैसा है। संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है। आगे देखिए आप, संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों के संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं संस्थाओं को तय करने वाला है। ये एक लंबा विस्तृत दस्तावेज है, जो संविधान लिखा गया है एक लंबा लिखित दस्तावेज है, इसलिए हमें समय समय पर नया रूप देने की, इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें संविधानों में जो संविधान लिखी, एक बात और नोट कर लेना आप, संविधान जो लिखा गया है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, इसका हम संशोधन कर सकते हैं। किसी नियम और का अगर अपन को ऐसा लग रहा है तो हमें जो हमारी पार्लियामेंट, जो लोकसभा और जो राज्यसभा, इन सबको मिलकर इन संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि
इसे लोगों की भावना के अनुरूप चलना चाहिए। समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और न बदले जाने का कानून के रूप में नहीं देखा। उन्होंने ये कभी नहीं, संविधान में कभी नहीं देखा कि इसको कभी नहीं बदला जाएगा। ये ऐसे नियम कभी नहीं बनाए उन्होंने, जो संविधान के जो निर्माता है उन्होंने कभी भी एक ऐसा भी नियम इसमें नहीं बनाया कि इसको बदला न जा सके। जो क्योंकि समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा वैसे इन कानूनों को में भी संशोधन किया जा सकता है। इस बात को आप याद रखें, संविधान बनाया गया है, लिखित संविधान है, पर ऐसा नहीं है कि उनको बदला न जा सके, बदला जा सकता है। इसलिए उन्होंने बदलाव के समय शामिल का प्रावधान भी रखा। इन बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। इसी बदलाव को, इन्हीं परिवर्तनों को, नियमों में परिवर्तन संशोधन को ही संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा दर्ज किया गया है। अगर संविधान आप पहली बार पढ़े तो इसे समझना बड़ा मुश्किल लगेगा आपको। अगर आप लिखित संविधान जो अपना लिखा गया है उसको पहली बार अगर आप अध्ययन करें उसका, तो उसको समझना बड़ा ही मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वो नियम बनाता है जिसमें अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। ये सारी चीजें बताई गई है, शासकों का चुनाव कैसे किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी। इस संविधान में स्पष्ट बताया गया है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसला लेगा, और साथ ही संविधान नागरिकों को स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है। नागरिकों को अधिकार स्पष्ट करके और सरकार के लिए भी लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती है। सरकार के भी कुछ नियम कानून है। इस संविधान में सभी को अधिकार भी दिए और उनके कर्तव्य भी दिए। जैसे हमें नागरिकों को अधिकार भी दिए और कर्तव्य भी दिए। आप उन अधिकारों के बाहर नहीं चल सकते हैं। अगर उन अधिकारों का आप उल्लंघन करते हैं तो फिर आप अपराधी हैं। अगर उन अधिकारों का आप उल्लंघन, जैसे अपन सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर आप अपराधी हो, या किसी का मान सम्मान को अगर आप टैक्स पहुंचाते हो तो फिर आप टैक्स मतलब उनके आत्मा को अगर दुखी करते हो तो फिर आप अपराधी हो। प्रत्येक अध्याय में कुछ प्रमुख संविधान प्रावधानों पर नजर डालेंगे, लेकिन ये किताब संविधान निर्माण के द्वारा स्थापित सारी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेगी। अगले कुछ पहलू हैं जो अपन आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे, और इसमें जो दिए गए हैं रंगभेद, अपन ने आगे जो पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति, धारा, संविधान, संविधान सभा, प्रारूप, दर्शन, प्रस्तावना, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। इस लेसन के जो लेसन नंबर 2 के संविधान निर्माण के जो क्वेश्चन आंसर हैं आप कर लें। धन्यवाद।